नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आपके सामने मैं हाजिर हूँ एक और अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर। एक्चुअल में दो किताबों की अनबॉक्सिंग मैं करने वाला हूँ इस वीडियो में, और दोनों ही बॉक्स में, जैसा कि आप पैकिंग यहाँ पे देख सकते हैं, दोनों ही पैकेजिंग में मैंने ऑर्डर की है गॉडफादर हार्ड कवर बुक। तो मेरे पास देख सकते हैं आप, जो गॉडफादर का बेसिक नॉवल था, जो पेपरबैक जो छोटा वाला एडिशन था, वो मेरे पास है। इसके अलावा गॉडफादर का फैमिली एल्बम है। तो मेरे पास हार्ड कवर नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना हार्ड कवर ऑर्डर किया जाए। अब मज़े की बात यह है कि फ्लिपकार्ट पे जो हार्ड कवर अवेलेबल था, वो शायद मेरे हिसाब से 50th एनिवर्सरी, मतलब 50वीं एनिवर्सरी इशू है, जिसकी MRP थी 999 और मुझे ये पड़ा है अराउंड 600 रुपये के आसपास। वहीं अमेजन पे जो गॉडफादर का हार्ड कवर अवेलेबल था, उसकी MRP अराउंड 1600 रुपये के आसपास थी और ये मुझे 850 रुपये के आसपास पड़ा है। तो ये जो है, ये तो नया एडिशन है, लेकिन यहाँ पर ये वाला जो है, ये 1969 का एडिशन बता रहे हैं, उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था। तो मैंने सोचा क्यों ना दोनों को ऑर्डर कर दिया जाए, क्योंकि 50th एनिवर्सरी एडिशन के बारे में मुझे पता था, लेकिन इस इशू को मैं देखना चाहता हूँ। तो आइए फटाफट से दोनों को खोल लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या है इन दोनों किताबों के अंदर, मतलब कौन कौन से एडिशन रहते हैं। सबसे पहले मैं इसको खोल लेता हूँ अमेज़न वाले को। गॉडफादर बाय मारियो पुजो अ नावल, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने 1969 का एडिशन उसको बताया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि 1969 का एडिशन है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कॉपीराइट 1969 बाय मारियो पुजो, और लेकिन ये प्रिंटिंग 1969 की नहीं है मेरे हिसाब से। खैर, तो ये है हार्ड कवर, इसकी डस्ट जैकेट है, अंदर देख लेते हैं क्या है। स्पाइन द गॉडफादर मारियो पुजो पुटनम प्रेस, उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बस इस पे कुछ भी आर्टवर्क वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं है, और सीधे सीधे मेरे हिसाब से कहानी दी हुई है, जैसा कि नॉर्मल पेपरबैक एडिशन में था, ठीक है। और ये इसका डस्ट जैकेट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। साइड में अगर हम देखें, द गॉडफादर मारियो पुजो, तो ये उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप इस वीडियो को पास करके इसको पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। पीछे भी कुछ दिया हुआ है, ये देखिए ऑथर के बारे में लिखा हुआ है और उनके कुछ और बुक्स के बारे में दिया हुआ है, द फॉर्चून पिलग्रिम और द डार्क एनिमल, ठीक है। तो खुल ले देखे, ये बुक हमें रिसीव होती है, लेकिन ये 1969 का एडिशन नहीं है। पता नहीं, मतलब मैं इसके बारे में थोड़ी और रिसर्च करूँगा, फिर देखूँगा कि एक्चुअल में 1969 का इशू है या नहीं है, लेकिन ये रीप्रिंट होगा, 1969 का कॉपीराइट होगा इस पब्लिशर के पास में, पुटनम के पास में। तो चलिए, इस बुक को हमने अनबॉक्स कर लिया, अब इस पैकेट को अनबॉक्स करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या मिलता है। ये वाली बुक हैवी भी है, चलिए मैं इसको खोल लेता हूँ फटाक से, क्योंकि ये पैक है। तो यहाँ पर अमेज़न जो है, उसकी जो बुक है वो पुरानी वाली है, तो मेरे हिसाब से मैं उसे वापस करूँगा। और ये वाली बुक बड़ी शानदार है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखिए। तो ये जो है, ये मेरे हिसाब से ये पेपर नहीं है, अजीब तरीके का पेपर है, और ये गॉडफादर का जो लोगो है, ये देखिए, ये गोल्ड स्टैम्प है। उसके अलावा एनिवर्सरी एडिशन भी यहाँ पे फॉयल स्टैम्प टाइप का किया हुआ है, इसका स्पाइन द गॉडफादर मारियो पुजो। ये बैक में फिश बनी हुई है, फिश का भी बहुत ही ज़्यादा रोल है अपने इसमें, गॉडफादर के नॉवल में फिश का के बारे में बताया गया है कुछ, जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा। फ्रांसिस फोर्ड कपोला का इंट्रोडक्शन, फ्रांसिस फोर्ड कपोला ने गॉडफादर की तीनों मूवी डायरेक्ट करी थी, और मारियो पुजो ने पहली मूवी दूसरी मूवी का मेरे हिसाब से स्क्रीन पे भी लिखा था। तो देखिए, तो ये वाली बुक जो है, ये उस बुक से थिक है। तो यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पेजेस दिए हुए, यहाँ पर इंट्रोडक्शन, उसके बाद में बुक वन चालू हो जाती है। तो इसके फॉन्ट साइज काफ़ी बड़े हैं, ये देखिए, और पीछे फिर मारियो पुजो के बारे में लिखा हुआ है, देखता मैं।
तो अगर इन दोनों बुकों का कंपैरिजन हम करें तो मतलब ये तो एक तरीके से बहुत ही अच्छी डील है ये वाली, अगर मैं कहूँ। क्योंकि एक तो देखिए इनका साइज़ देखिए, ये वाली बुक छोटी है, ऐसे करके दिखा देता हूँ, देखिए। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा छोटी है ये, देखिए यहाँ से भी छोटी है और यहाँ से भी छोटी है। और इस बुक की प्राइस जो है वो ज़्यादा है, मतलब इस बुक की प्राइस अमेज़न पे दी हुई है 1600 रुपये के आसपास और ये मुझे 800 रुपये में पड़ी है। वहीं जो ये 50th एनिवर्सरी का जो एडिशन है इसका कवर भी बड़ा शानदार है, मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये बुक मोटी भी है और बड़ी भी है ये देखिए, जबकि इसका MRP 999 है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। तो इस बुक का प्राइस जो है 999 है, इसका प्राइस 1600 है और ये बुक मुझे 800 में पड़ी है, ये बुक मुझे 600 में पड़ी है, तो ये अच्छी डील है। तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ये जो एडिशन है 50th एनिवर्सरी का जो एडिशन है यही परचेज़ करिए, अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं गॉडफादर हार्ड कवर में तो इसे ही परचेज़ कीजिए। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, और मेरे हिसाब से ये मतलब फेयर डील नहीं है, जिस हिसाब से इसकी प्राइस ली गई है 800 रुपये 900 रुपये के हिसाब से उसमें ये फेयर डील नहीं है। ये वाली डील बढ़िया डील है, क्योंकि ये देखिए एक तो किताब भी बहुत बड़ी है और इस किताब का कवर भी काफ़ी ज़्यादा आकर्षक है बजाय इसके। तो मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप मारी गॉडफादर खरीदना चाहते हैं, वैसे तो मेरे पास ऑलरेडी है और मैंने पढ़ रखी है, गॉडफादर की ट्रायोलॉजी पूरी देख रखी है और मैं ऑल टाइम फ़ैन हूँ गॉडफादर फ्रेंचाइजी का, गॉडफादर का जो पूरा एक सेगमेंट है उसका। तो ये हार्ड कवर बड़ा अच्छा है 50th एनिवर्सरी एडिशन, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसको परचेज़ कीजिए, इसको परचेज़ मत कीजिए। अगर अमेज़न पे भी मिल रही है तो आप ये 50th एनिवर्सरी एडिशन परचेज़ कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में, काफ़ी सुंदर लग रहा है और ये शेल्फ में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, भले ही आप इसे ऐसे खड़े करके रख दीजिए तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में। वहीं ये वाला जो है वो इतना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, इसमें एक बात है कि इसमें डस्ट जैकेट नहीं है ये देखिए, लेकिन इसका जो ये पेपर है ये कपड़े टाइप का फीलिंग दे रहा है। ये देखिए इसका टेक्सचर जो आप पास से देखिए, देखिए ये रंग टाइप का कपड़े जैसा फील दे रहा है, जबकि ये नॉर्मल पेपर है और अंदर इसकी पेपर में बाइंडिंग की हुई है। तो यही थी इसकी अनबॉक्सिंग, मैं देखना चाहता था कि भाई दोनों में क्या चीज़ मिलती है, तो इस क्वालिटी से मैं थोड़ा सेटिस्फाई नहीं हूँ। हाँ, इसकी प्रिंटिंग 1969 की बता रखी है, लेकिन मुझे लगता नहीं 1969 की प्रिंटिंग है, ये 1969 का कॉपीराइट होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, उसके बाद मैं थोड़ी और रिसर्च करूँगा। लेकिन ये वाली चीज़, ये जो इसकी प्राइस है और जिस हिसाब की किताब मिल रही है, क्योंकि ये वाली जो किताब है ये भी आपको 350 रुपये में मिलेगी। अब ये देखिए ये 350 रुपये की किताब है, 400 रुपये के आसपास होगी और ये 600 रुपये की किताब है। तो आप इन दोनों का कंपैरिजन देख लीजिए, क्वालिटी देख लीजिए। तो इस किताब को लेने से बेहतर है कि आप इसको ले लें। यह हार्ड कवर है, इसमें लेटर्स काफ़ी बड़े हैं, काफ़ी बड़े लेटर्स दिए हुए हैं, जो टाइप सेट है वो काफ़ी बड़ा है, पेपर भी काफ़ी अच्छा है और इसका कवर बहुत ही आकर्षक है। इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, ये महंगी भी है और ये उतनी इम्प्रेसिव भी नहीं है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। और अगर आप पेपर बैग लेना चाहते हो तो पेपर बैग ले सकते हैं, तो इनके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ जाकर परचेस कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।